महाविकास अघाड़ी सरकार के 15 नेताओं ने अपने चुनावी हलफनामा में जानकारी छुपाने का मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर अभिषेक हरिदास ने ये जानकारी का खुलासा किया है। अभिषेक हरिदास ने बताया कि अशोक चौहान, नाना पाटोले, वर्षा गायकवाड़, हसन मुशरीफ, अब्दुल सत्तार, विश्वजीत कदम, दत्ता मामा भरने, संदीपन राव भुमरे, संजय राम मुलकर, धनंजय मुंडे, बच्चू कड़ू, उदय सामंत, सुनील केदार, केसी पाड़वी, गणाक शंकर राव, इन सभी ने अपने चुनावी प्रमाण पत्र में अपनी गाड़ी और जमीन को लेकर हर बार के चुनावी हलफनामा में अलग अलग जानकारी बताई है। चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के 15 मंत्रियों ने अपने एफिडेविट में गलत जानकारी देने से डॉक्टर अभिषेक हरिदास ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को एक पत्र लिखा है, जिसमें इन मंत्रियों पर मामला दर्ज करने के लिए अनुमति मांगी गई है। डॉक्टर अभिषेक हरिदास का मानना है कि ये बहुत बड़ा अपराध है और जिस जनता ने इन्हें चुनकर जिताया है उनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, इन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे पहले भी अभिषेक हरिदास ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मंत्री आदित्य ठाकरे को भी नहीं छोड़ा है। साथ ही भाजपा के मंत्री भी एफिडेविट में गलत जानकारी देने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उन सब की भी जांच शुरू है। ऐसे में अब उद्धव सरकार के 15 मंत्रियों के एफिडेविट में गलत जानकारी सामने आने से महाराष्ट्र राजनीति गरमाई हुई है। अगर आरोप सही साबित होता है तो मंत्री की कुर्सी जा सकती है, विधायक पद भी रद्द हो सकता है। सर जी, अभी महाराष्ट्र के जो 15 मिनिस्टर है, 15 मिनिस्टर है, अशोक जी चौहान, नाना पाटोड़े, वर्षा गायकवाड़, हसन मुशरीफ, अब्दुल सत्तार, विश्वजीत कदम, दत्ता मामा भरने, संदीपन राव भुमरे, संजय रायमुलकर, धनंजय मुंडे, बच्चू कड़ू, उदय सामंत, सुनील केदार, केसी पाडवी, गणाक शंकर राव, इन मिनिस्टर के हमने एफिडेविट चेक किए, जो एक नागरिकों का एक मूलभूत अधिकार है। ये चेक करने के बाद हमारे सामने एक सच्चाई सामने आई, वो ये थी कि इन्होंने अपने एफिडेविट में ना ही जनता का तो मिसलीड किया ही है, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, इनको उन्होंने मिसलीड किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उद्धव जी ठाकरे और आदित्य ठाकरे के ऊपर जो मैंने कंप्लेंट किया था उसके ऊपर ईडी का इंक्वायरी चालू है। उसके उपरांत ये जो मंत्री है इन्होंने भी अपने एफिडेविट में बहुत सारा फ्रॉड किया है। अभी ये फ्रॉड क्या है कि अभी अगर हम मान लेंगे विश्वजीत पतंगराव कदम, एक मैं आपको दो एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, तो ये विश्वजीत कदम है, इन्होंने 2014 के एफिडेविट में ये बोला है, उन्होंने जो MH-12DY-528 ये जो व्हीकल है वो परचेस किया था 3,94,366 रुपीज़ में। उसके बाद 2018 में उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने MH-12DY-528 ये जो गाड़ी है उन्होंने 9,74,982 रुपीज़ में परचेस किया है। 2019 के एफिडेविट में उन्होंने ये बोला है कि यही व्हीकल उन्होंने 1,36,018 रुपये में परचेस किया है। उसके बाद तीन एफिडेविट में अलग अलग दिया है। अभी उसके बाद उनको जो क्षेत्रीय ज़मीन रहती है, बिगर क्षेत्रीय ज़मीन रहती है, निवासी इमारत रहती है, वाणिज्य इमारत रहती है, इनकी इन्फॉर्मेशन माने इनकी परचेसिंग डेट से लेके परचेसिंग कॉस्ट तक सब उनको बताना पड़ता है। अभी इनमें से बहुत सारे ऐसे मंत्री जो है उन्होंने इसके बारे में एक एफिडेविट में बोला है कि उन्होंने वो ज़मीन परचेस किया है, और दूसरे एफिडेविट में ये बोला है उन्होंने वही ज़मीन उनको इनहेरेंट प्रॉपर्टी माने वारसा हक का प्रॉपर्टी उनको मिली है। कई कई मंत्रियों ने तो ये बोला है कि उन्होंने फॉर एग्जांपल एक संजय नगर की ज़मीन है, उन्होंने 2014 में बोला है कि वो ज़मीन उन्होंने 10,000 में परचेस किया है, तो वही ज़मीन उन्होंने बोला है कि 19 के एफिडेविट में उन्होंने बोला है कि वो ज़मीन उन्होंने 56 लाख को परचेस किया, माने लगभग 20 से 25 लाख तक का डिफरेंस उसमें आ जाता है। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। अभी जैसे कि 2014 में विश्वजीत कदम ने जो औद्योगिक वसाहत
फ्लैट नंबर 802B जो है उन्होंने बोला है कि वो ज़मीन उन्होंने वो फ्लैट उन्होंने 56,107,109 में परचेस किया है। 19 में बोला है वो फ्लैट उन्होंने 18,68,900 में परचेस किया है। अगर देखा जाए तो ये दोनों में 40 लाख का डिफरेंस है। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी फ्रॉड है इन्होंने किया है, ये नागरिकों के साथ भी फ्रॉड है और इलेक्शन कमीशन के साथ तो है ही। सर जी ये अशोक जी चौहान है, नाना पाटोले है, वर्षा गायकवाड़ है, हसन मुशरिफ है, अब्दुल सत्तार है, विश्वजीत कदम है, दत्ता मामा भरने है, संदीपन राव भुमरे है, संजय रायमुलकर है, धनंजय मुंडे, बच्चू कोड़ू, उदय सामंत, सुनील केदार, केसी पाडवी, गड़ाक शंकर राव, इन सबके हैं। अभी मैं आपको पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मंत्री जो है अशोक चौहान इनके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ सर। अभी देखा जाए तो कई मंत्री इसमें ऐसा है कि जो 12वीं के बाद एक साल में डिग्री ले चुके हैं, कई मंत्री ऐसे हैं कि जो यूनिवर्सिटी ही अवेलेबल नहीं है उसमें से वो 11वीं पास आउट हो चुके हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री अपने सामने हैं। अभी अशोक जी चौहान का जो एफिडेविट है वो उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी है। जैसे देखा जाए तो उन्होंने जो लैंड परचेसिंग में दिखाए हैं उनके इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाए हैं। अभी जैसे कि हम बोलेंगे कि 7A6 के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने MH26AD7209 ये जो व्हीकल है उन्होंने 2,89,648 में परचेस किया है, ये उन्होंने 2019 में बोला है। उसके बाद 2014 में यही व्हीकल की कीमत जो है उन्होंने 5,98,443 दिखाया है, माने लगभग 3 लाख का डिफरेंस है इसमें। उसके बाद अभी ये तो व्हीकल के बारे में तो फ्रॉड है ही, उसके बाद उन्होंने जो निवासी इमारत का परचेस किया है ओके, उसमें अगर हम देखेंगे कि 2014 के एफिडेविट में प्रॉपर्टी कार्ड जो है उसमें 448 एंड 4489 जो है उसकी कॉस्ट उन्होंने 17,57,070 रुपीस दिखाई है, तो 19 के एफिडेविट में उन्होंने 17,82,160 दिखाई है, माने इसमें लगभग 30,000 का डिफरेंस है। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड नंबर 4487 इसकी जो परचेसिंग कॉस्ट दिखाई है 2014 में वो 11,29,520 है, और 19 में उन्होंने 11,70,160 दिखाई है, माने लगभग इसमें 15 लाख की डिफरेंस है। ऐसे ये जो मंत्री है ये मंत्री लोगों ने इलेक्शन एफिडेविट में ये जो फ्रॉड किया है इसको हम फ्रॉड बोल सकते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर जो वर्ड अपने को अप्रोप्रिएट लगता है वो, लेकिन इन्होंने जो ये किया है वो बहुत खतरनाक है। पहले ही उद्धव ठाकरे जी को मेरे कंप्लेंट के बाद ईडी और इलेक्शन कमीशन ने दोनों ने नोटिस भेजी थी, उसके उपरांत ये जो मिनिस्टर है इन्होंने भी वही किया है। ये बहुत गंभीर है, ये लोकशाही के लिए गंभीर है सर। इनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है और हाँ आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी? सर जी हमने अभी माननीय राज्यपाल महोदय को लेटर भेजा है कि इनके ऊपर हमको क्राइम फाइल करने को परमिशन दें, क्योंकि ये मंत्री जो है वो लोक सेवक के डेफिनेशन में आ जाता है। अगर ये लोक सेवक है तो डायरेक्ट कोर्ट हमारा पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करता, इसके लिए सैंक्शनिंग जो है CRPC 197 के हिसाब से इसको सैंक्शन की आवश्यकता है, वो सैंक्शनिंग हम माननीय राज्यपाल दे सकते हैं, इसलिए उनके पास भेजा है। और माननीय राज्यपाल ने अगर 3 मंथ माने 90 डेज में अगर उन्होंने सैंक्शनिंग नहीं दिया तो वो डीम टू बी सैंक्शन होके केस फाइल होता है उस सर। अभी देखा जाए तो RP एक्ट का सेक्शन 125, उसके बाद IPC 199 और IPC 200 के हिसाब से ये कार्रवाई हो सकती है कोर्ट से,
इसके लिए हमने राज्यपाल जी के पास निवेदन भेजा है। हम आशा करते कि माननीय राज्यपाल जी हमको 90 डेज के बिफोर कुछ परमिशन ग्रांट करेंगे, ऐसे हमारा आशा है और ये आशा लेके हमने उनको भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, वी साइंस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।